दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि आपका जो फोन पे होता है और गूगल पे जो होता है, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए दोस्तों, हम हमारे पास जो ऑपरेटिव बैंक का कोऑपरेटिव बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है या फिर उनका जो बैंक अकाउंट होता है, उनका इस्तेमाल हम फोन पे और गूगल पे के लिए नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक दिखाने वाला हूँ कि वो ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप कोऑपरेटिव बैंक का जो बैंक है, अकाउंट है या फिर डेबिट कार्ड है, इसका इस्तेमाल दोस्तों आप गूगल पे और फोन पे के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट आपको गूगल पे फोन पे के लिए यूज करना है। इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप जो होता है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको पेटीएम जो है वो मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको करना यह होता है कि आपको एक पेटीएम का पेमेंट बैंक जो होता है, ठीक है, आप ऑनलाइन इसका खाता खुलवा सकते हो। अगर वो प्रोसेस दोस्तों आपको मालूम नहीं है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि दोस्तों कि सर हम यहाँ पे पेटीएम बैंक का अकाउंट कैसे ऑनलाइन खोलें, तो मैं उसका दोस्तों आपको वहां पर जवाब दे सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बैंक से हमारा जो पेटीएम वॉलेट होता है उसमें दोस्तों हम पैसे ऐड करेंगे, और इन पैसों का, ये पेटीएम वॉलेट के जो पैसे हैं, इनको हम पेटीएम बैंक में ट्रांसफर करेंगे और वो भी फ्री में होगा। और पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल दोस्तों हम गूगल पे और फोन पे के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास 473 रुपीज है। ओके, मैंने ये पेटीएम वॉलेट में ऐड किए, तो आप यहां से आप पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपको 500 रुपीज जो है दोस्तों यहां पर मैं फिलअप करके दिखाने वाला हूं। ओके, और यहां पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, अपना डेबिट कार्ड जो है, ठीक है, ये कोऑपरेटिव बैंक का जो डेबिट कार्ड है, इसके थ्रू दोस्तों आप यहां पे पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने यहां पे मेरा अकाउंट जो है दोस्तों यहां पे मैंने डाला हुआ है। ओके, मैं यहां पे क्या करूंगा, इसकी जो डिटेल्स है यहां पे मैं फिलअप कर रहा हूं। तो मैं पे 500 रुपीज जो है वो यहां पे मेरे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस बैंक से मुझे यहां पे ओटीपी भी आ जाएगा, और ओटीपी दोस्तों मैं यहां पे फिलअप कर सकता हूं। आप देख सकते हो यहां पे मैंने ये जो इंफॉर्मेशन है, ओके, यहां पे मैं फिलअप कर देता हूं। अगर मेरा यहां पे 500 के नीचे अगर बैलेंस है तो यहां पे पैसे ऐड नहीं होंगे। अगर 500 के ऊपर, यानी कि 1000 के ऊपर अगर यहां पे मेरे पास पैसे हैं, तो वो मेरा यहां पे आ सकता है। ओके, तो देखते हैं, अगर नहीं है, ठीक है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने यहां पे मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास यहां पे 473 रुपीज जो है वो मेरे पेटीएम वॉलेट में है। आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। ओके, अभी मेरे पास यहां पे बैलेंस नहीं है तो ऐड नहीं हो रहे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जितना चाहो यहां पे 50,000 तक यहां पे एक बार में ऐड कर सकते हो। ठीक है, पेटीएम वॉलेट में आपके पैसे आ जाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसमें पैसे ऐड करने होंगे। ओके, तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा पास कितना बैलेंस है। तो 78 रुपीज है यहां पे, और मैं यहां पे क्या करूंगा, ऐड मनी पे क्लिक करूंगा। तो ऐड मनी जो है, देखते हैं हम यहां पे ऑप्शन कहां पे मिलता है आपको। ठीक है, ये पेटीएम हमारा पेमेंट बैंक है, और यहां से हम क्या करेंगे, पासबुक जो होता है इसमें हम चले जाएंगे, और पासबुक में दोस्तों यहां पे मनी ऐड का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिससे हम यहां पे पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऐड मनी टू सेविंग अकाउंट, इस प्रकार से अभी सेविंग अकाउंट में मेरे पास 473 रुपीज थे, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 400 रुपीज को ऐड कर लेता हूं। और यहां पे देखिए पेटीएम बैलेंस आ चुका है, तो पेटीएम बैलेंस से हम यहां पे पैसे कट करेंगे। और यहां पे देखिए प्रोसेसिंग फी दोस्तों यहां पे 0 रुपीज है, यानी कि 400 रुपीज जो है मेरे यहां पे क्या होंगे, ऐड होंगे। ओके, और ये देखिए दोस्तों यहां पे प्रोसेसिंग जो है दोस्तों शुरू हो चुकी है, और देखिए वॉलेट में पैसे आ चुके हैं। और हमारे, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पे 78 रुपीज जो है ये हमारे कितने हैं, अभी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ठीक है, 78 रुपीज जो है यहां पे पेटीएम बैलेंस जो है, ओके, वो यहां पे हमारे आ जाएंगे पेटीएम वॉलेट में। ठीक है, यहां पे रिफ्रेश हो जाएंगे, 400 रुपीज रिसीव यहां इस प्रकार से मैसेज आ चुका है, और नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए अवेलेबल बैलेंस जो है दोस्तों यहां पे दिखाने में ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये जल्दी जल्दी यहां पे अपडेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम अपडेट से रिलेटेड नहीं आने वाली है। ओके, ठीक है, यहां पे मेरा डाटा थोड़ा सा स्लो होने के बावजूद यहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमारे यहां पे पेटीएम वॉलेट में दोस्तों पैसे ऐड हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, हम यहां पे फिर से एक बार यहां पे देखिए और सेविंग अकाउंट 478 रुपीज यहां पे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब इनका हम गूगल पे फोन पे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना यह है, आपको फोन पे में जाना है, और फोन पे में क्या करना है, आपको यहां पे आपका जो आइकॉन है इस पर क्लिक करना है, और यहां पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपका जो भी बैंक है यहां पे सर्च करना है पेटीएम पेमेंट बैंक। ये पेटीएम पेमेंट बैंक का जो ऑप्शन होता है इसको आप यहां पे ऐड कर सकते हो। देखिए ये पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसको हम क्या करेंगे, यहां से ऐड करेंगे, तो इससे हमारे सिम कार्ड से एक मैसेज चला जाता है कंपनी को। ओके, प्रोसीड टू ऐड पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए फाउंड पेटीएम, यहां पे जो है यूपीआई पिन भी सेट है हमारा, मैंने इससे पहले यूज किया हुआ है,
और इसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक हमारा यहाँ पे मेथड जो है वो ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम स्कैन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप गूगल पे पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका गूगल पे का ऐप ले लीजिए, गूगल पे में यहाँ पे हम क्या करेंगे हमारे अकाउंट को ऐड करेंगे। ओके सेंड मनी, तो यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करेंगे। ओके और यहाँ से हम हमारा पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है पेमेंट पेटीएम का, यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक आ जाएगा। फाइंडिंग बैंक अकाउंट, इस प्रकार से एक ओटीपी चला जाता है दोस्तों, यहाँ से एक मैसेज चला जाता है कंपनी को और उनके डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे फेचिंग जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐड बैंक अकाउंट देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप गूगल पे और फोनपे के लिए पेटीएम का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये पेटीएम पेमेंट बैंक हमारे यहाँ पे आ चुका है। ओके तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक से आप यहाँ पे 15,000 तक जो है अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हो अपने पेटीएम के थ्रू। ओके 50,000 तक आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन दोस्तों कर सकते हो। अगर फ्यूचर में ये बढ़ता है तो आपको यहाँ पे SMS मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल के ट्रिक्स देखने के लिए, व्हाट्सएप के ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।